राम राम सभी भाइयों को स्वागत है, आप सभी का स्वागत तुम्हारे व्लॉग्स में। तो आज दीपू भाई के बाद दोबारा आया, क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो आज क्या करने वाले हो इसमें? ये अपनी बेलिनो है, BL6 2024 मॉडल की है, तीसरे महीने की। तीसरे महीने की हमने लगाई है, लवेटो। लवेटो तो किट तो काफी बढ़िया है, आपको बताइए। देखिए आप, हाँ तो किट एक बार ओवरऑल दे। बाकी अपना ये रेल है लवेटो की, ये लवेटो स्मार्ट स्मार्ट टू है, BS6 की है। इधर आप देखेंगे ECM पे, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो, देखेंगे आप, BS6 का है, लवेटो स्मार्ट होगी, OBD2 का है। और ये क्या चीज है? ये भी स्मार्ट का ही लगा दिया हमने, ये छोटा आ गया आप साइज में, जो 8 इंजेक्टर मॉड्यूल जो बता रहे थे आप, ये स्मार्ट में आ गया। बढ़िया कपलर टू कपलर, आप यहाँ देखेंगे ये सारे कपलर टू कपलर सिस्टम हुआ पड़ा, हमने कोई वायरिंग नहीं काटी है गाड़ी की। ये कपलर लगे हुए हैं ऐसे ही सारे, आप देखेंगे कपलर ही कपलर हो रहे हैं नीचे। तो ये 8 कपलर है टोटल? हाँ 16 कपलर है, 16 कपलर है, 16 कपलर है, ठीक है। 8 इंजेक्टरों के 8 इंजेक्टर हैं, मेल फीमेल लगा लो, बहुत सारे कपलर हो गए, तो डबल आ गए कपलर, 8-8 16 कपलर, 16 हो गए, सही बात है। इसके बाद 8 कपलर गाड़ी के भी है, तो सारे मेल फीमेल करके लगा दिए, कोई वायरिंग किसी तो फिटिंग प्रॉपर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अपना लवेटो का फिल्टर है, फिल्टर है जो आता है इसमें। ये आपका मैप सेंसर हो गया, और जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो है स्मार्ट टू का जो रेड्यूसर आया है, सिंगल स्टेज का, सिंगल स्टेज डबल स्टेज का आता था, आप देखते थे इसमें सिंगल स्टेज है, दिखेगा नहीं ऐसे, नीचे से इधर से दिखाओ थोड़ा सा। तो इधर से देख सकते हैं कि नीचे इसमें क्या है, सिंगल स्टेज का छोटा, हाँ छोटा सा रेड्यूसर है, कहीं भी छोटा सा, मतलब ज्यादा जगह नहीं घेरता है। और ये फिटिंग अपनी प्रॉपर देखो, पाइपों वाली जो भैया पहले से करते आ रहे थे टाइम से, फिटिंग तो वही मिलेगी, कोई सी वीडियो खोल के देख लो। हाँ जी, हाँ जी, तो देख सकते हैं फिटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, थोड़ा टाइम जरूर लगता हमारे यहाँ पे, पर काम आपका A1 क्लास होगा, जो बोलेंगे वही करेंगे, देख सकते हैं, अदर नहीं होगा कुछ, मतलब जो वीडियो में देखता है वैसे ही काम होगा। टाइम का थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि देखो हम एक किट लगाते हैं या दो लगा देंगे या उसके आगे हम काम नहीं पकड़ते, मतलब काम तसल्ली से करना है, जल्दबाजी, चाहे 4 गाड़ी आ जाए, 2 को आगे के लिए कर दोगे। अभी इसमें देख रहे हैं वायरिंग की फिटिंग, देखिए वायरिंग सारी, कपड़े की टेप हमने लगा लिया, आप कहीं भी देखें कपड़े की टेप आपको दिखाई, ये कपड़े की टेप सब जगह, लड़के को मैंने बोला था सब जगह कपड़ा कपड़े की टेप यूज करनी है, हीट प्रूफ, हीट प्रूफ रहती है। यहाँ से देखिए कपड़े की टेप है, पीछे तक जा रही है, पीछे तक ये इलेक्ट्रो के पास आ रही है, जो पूरी कपड़े की टेप हमने करी है जिससे कि दिक्कत ना आए। ये भी देख पूरा, मतलब काम इसमें आपको कंपनी जैसा ही मिलेगा। हाँ जी, जैसा कंपनी भी देखेंगे आप, पाइप वाला स्टैंड है, आइए दिखाते हैं। ये सिलेंडर है 12 किलो का, ये सिलेंडर आया हुआ है जो टाइट हो चुका है, और ये हमने स्टैंड लगाया पाइप वाला। इसका फायदा क्या है, ये पिलर पर टिकता है, ये पिलर है आपका गाड़ी का, इस पर टिका हुआ है ये बेस, और इधर भी पिलर है, ये बेस जो है पिलर पर टिका हुआ है, इससे क्या हुआ झोल नहीं मारेगा बिल्कुल, ओके फिटिंग, मतलब कहीं भी सिलेंडर आवाज तक नहीं आएगी, मतलब सिंगल आवाज, अगर एंगल वाला लगाते हैं उसको यहाँ कसते हैं, ये बिल्कुल टील है यहाँ पे, सिंगल यहाँ पे देखो साउंड से पता चल रहा है, फट जाती है, और यहाँ देखो बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है, वहाँ डबल चद्दर है, यहाँ सिंगल चद्दर है, यहाँ सिंगल है। तो अभी इसको काम होने देते हैं पूरा, फिटिंग वगैरह फिर आपको दिखाते हैं, इसकी ट्यूनिंग बेटा बन गया पाइप दिखाएंगे। तो CNG का देखो कवर वगैरह पूरा लग गया, फिटिंग प्रॉपर आ गई है अब इसकी, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सिलेंडर वगैरह, और यहाँ पे स्पेस भी काफी मिल जाता है, हमें अपना बैग वगैरह आराम से आ जाएगा, नीचे भी स्पेस मिल जाता है पूरा, दिख रहा होगा आपको, कवर वगैरह नीचे भी रख सकते हैं इसके अंदर, बोल्ट लगा छोटे वाले, तो अब इसकी CNG फिलिंग रह रही है, CNG फिलिंग कराने के बाद, तो अब इसकी फिलिंग हो गई थी, तो अब इसकी खाली कैलिब्रेशन रह रही है, तो अभी ये सॉफ्टवेयर खोल लिया भैया ने लोवेटो का। तो भाई देखो अब यहाँ पे ट्यूनिंग हो रही है पूरी, कस्टमर का फीडबैक लेते हुए अपनी प्रॉपर ट्यूनिंग हो रही है, अब ट्यूनिंग होने के बाद आपको दिखाते हैं पूरा कम्प्लीट होने का। तो फाइनली अब अपनी गाड़ी कम्प्लीट हो गई है, तो CNG दीपू भाई ने लगा दी है, तो किट आपको एक बार दिखाता हूँ कैसी हुई है। इधर आपको रेल मिल जाएगी, इधर आपको इसका रिड्यूसर मिल जाएगा, इधर ECM है, 8 इंजेक्टर की किट है, और पूरा प्रॉपर फिट हो गया है। तो अंकल जी है जिनकी कार है ये, तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं अंकल जी से, बाकी अभी चला के देखिए इन्होंने, ये बताएंगे पूछेंगे। तो कैसा लगा आप भाई का काम? ठीक है, काम बढ़िया है, अच्छी चल रही है, गाड़ी का पिकअप भी ठीक है, आज की वीडियो देख का है, जैसे वीडियो में देखा था ऐसा हाँ। ही काम मिला, तो काफी सेटिस्फाई हो आप काम से? हाँ हाँ, काफी अच्छी तरह। चलो बहुत बढ़िया,
ठीक है, थैंक यू दीपू भाई। भाई इसमें टाइम ज्यादा लगा, आज हमने सुबह से लगे हुए इसमें। अच्छा, थोड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन है जो खराब हो गया हमारा। बाकी आगे से ध्यान रखना है कि पेपर वगैरह काम बढ़िया करना है। नहीं अभी की लवैटो की किट है तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। टाइम किट आने में लग गया, थोड़ा किट आने में भी लग गया और सेटिंग में भी लग गया, क्योंकि हम रोज रोज तो लगाते नहीं है ना ये चीज। कॉस्टली चीज है, डिसेंट है चीज जो लगी है, एक बार लग गई उसके बाद दिक्कत नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा इसकी कॉस्टली है पर यह है कि जो लगवाई ये चीज रफ एंड टफ लगवाई है, दिक्कत नहीं आनी। सही बात है। एक बार एड्रेस बता दो शॉप का क्या रहने वाला है। मेट्रो पिला नंबर 103 मेन कांति नगर दिल्ली 51, सामने मेट्रो है, पिला नंबर 103 दिख रहा है, अंदर बोर्ड दिख जाएगा आपको। स्टार्टिंग से ही आपको नंबर दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।